दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ड्राई करेला फ्राई, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम करेला ले लिया है, उसे इस तरह से गोल काटा है। आप चाहे तो लंबा भी काट सकते हैं, पर थोड़ा सा पतला रखिएगा इस तरह से, ताकि हम अच्छे से इसे फ्राई कर सकें। सबसे पहले हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने मिक्सचर जार में 1 टेबल स्पून धनिया लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें भुना हुआ चना लिया है, 1 छोटी टीस्पून मैंने इसमें जीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिए और 1 चम्मच तिल लिया है। इसको हल्का सा कोर्स ग्राइंड कर लिया। इसमें हम अब 8 से 10 लहसुन की कलियां डालेंगे और उसे भी साथ में ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है जिसमें हमको करेले फ्राई करने हैं। तो करेले को हल्का सा हमें डीप फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन रंग आए तब तक फ्राई करना है। तो आप इसे तेज आँच पर ही कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे करेले फ्राई होने में। देखिए करेले का रंग जो है वो चेंज हो चुका है, हल्का सा इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। आप इसे निकाल लीजिए, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए। इस तरह से निकाल लीजिए आप और साइड में रख लें। फ्राई करने से ही हमारे करेले का आधा कड़वापन ख़त्म हो जाता है। अब मैंने आधा कटोरी सींग दाने लिए हैं, उन्हें भी हम हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे ही हम करेंगे, हल्का सा क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाए तब इसे भी निकाल के अलग रख लेंगे। अब जो ये एक्सेस ऑयल है हम इसे अलग कर लेंगे और सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल हमारे पैन में रहने देंगे। अब इसके साथ ही साथ हम जो हमारे करेले और मूंगफली फ्राई करके रखी है वो उसमें डाल देंगे। स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से भून लें। इसके बाद जो हमने मसाला पाउडर तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले पाउडर के साथ में करेलों को आप अच्छे से भून लें और बस एकदम क्रिस्पी, बढ़िया, बहुत टेस्टी करेला फ्राई बनके तैयार है।